इस वीडियो में बात बीते हफ्ते की कुछ कंट्रोवर्सीज की करते हैं। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुरेश चवांके ने हिंदी दिवस पर ट्वीट किया, जिसमें वे उर्दू पर टिप्पणी कर रहे हैं और भाषा जिहाद बताकर शाहरुख खान और जावेद अख्तर पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट। हिंदी में उर्दू का अतिक्रमण राष्ट्रभाषा की हत्या का प्रयास है, इसे रोकना चाहिए। सुदर्शन ने एक वर्ष में हिंदी से उर्दू के 500 से ज्यादा शब्दों को चैनल से दूर किया है। इस भाषा जिहाद का सबसे बड़ा अस्त्र बॉलीवुड व खलनायक शाहरुख खान, जावेद अख्तर जैसे लोग व गूगल भी हैं। इसके बाद शाहरुख खान के फैंस ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। एक यूजर ने लिखा, तुम हो कौन? शाहरुख खान को मेंशन नहीं करते तो मैं जान नहीं पाता कि सुरेश चवांके नाम का कोई आदमी भी है दुनिया में। तुम्हारे जैसे अटेंशन के भूखे ही शाहरुख खान जैसे सेल्फ मेड अभिनेता के नाम को इस्तेमाल करते हैं। एक यूजर ने लिखा, SRK ने हिंदी लैंग्वेज जितनी कंट्रीज में फेमस किया है और ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में SRK सर को रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो तुम्हारे औकात और सोच के बाहर है। पहले खुद देश के लिए कुछ कर, फिर ये सब बोलना। इसके बाद सुरेश चवांके ने फैंस द्वारा ट्रोल किए जाने पर ट्वीट किया, शाहरुख खान द्वारा मेरे विरुद्ध भौंकने के लिए लगाए गए भाड़े के टट्टू की SRKians गैंग की किसी भी प्रोफाइल में अपने अब्बा जान का नाम नहीं लिखा है। मियाँ @IMSRK हमारे समर्थकों के प्रोफाइल देखो, यही फर्क है तथाकथित फैंस और देशभक्तों में। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान पर कार्यक्रम भी चलाया। अब बढ़ते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी पर, जो कि रही सोनू सूद को लेकर। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ स्थित 6 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। Sonu Sood, the so-called messiah of the migrants on Wednesday, faced income tax raids. The IT department carried out raids at multiple premises linked to him. आपको बता दें कि आयकर विभाग का ये एक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अभिनेता की बैठक के कुछ दिन बाद आया है। हाल ही में CM केजरीवाल ने सोनू सूद को दिल्ली के स्कूली छात्रों के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। बैठक के बाद सोनू सूद की राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि अभिनेता ने खुद कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बात नहीं हुई है। सोनू ने कहा था फिलहाल सियासत में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। सर मुझे ना मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मैं मुझे पता भी नहीं था ऑलरेडी, तब से मुझे यू नो ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और किसी ने कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। रेड के बाद लोगों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जिसने लोगों का भला किया उस पर ही रेड डाली गई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद जी का साथ मिला था। राजीव निगम ने इस मुद्दे पर वीडियो के जरिए सरकार पर तंज कसा। आपको पता है सोनू सूद के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, सोनू सूद के यहाँ। अब मैं तो कहता हूं इनकम टैक्स का छापा बिल्कुल पड़ना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। एक तो नाम सोनू, ऊपर से सूद, क्या जरूरत थी लॉकडाउन के टाइम में इधर उधर भटक भटक के दिन रात लोगों की मदद करना? लॉकडाउन के टाइम पे मदद कर रहे हैं सबकी जा जा करके, छापा नहीं पड़ेगा? जिस वक्त बड़े बड़े MLA MP मिनिस्टर्स अपने घरों में छिपके बैठे हुए थे, ये सोनू सूद रात रात में दिन दिन में उछल उछल के लोगों की मदद कर रहा था, छापा नहीं पड़ेगा? आखिरकार इतना पैसा आया कहां से? सरकार को हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इनकम टैक्स का छापा बिल्कुल पड़ना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, इनकम टैक्स का छापा। अब अगली कंट्रोवर्सी पर बढ़ते हैं। बीते हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में अब्बा जान का जिक्र किया, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आने शुरू हुए और मीडिया ने लगातार इस पर डिबेट्स करनी शुरू कर दी। आप विपक्षी राजनेताओं के बयान सुनिए। अब इस साल की उनके पास रेशन कार्ड नहीं है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे? और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज इस्तेमाल की अब्बा जान, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। तो ये इनकी आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझती हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। 2017 में कब्रिस्तान और शमशान किया और 2022 के पहले अब्बा जान कहकर चिल्ला रहे हैं योगी जी।
मैं सर्वप्रथम तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ योगी जी कि आप लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं तो अपने पद की तो थोड़ी गरिमा रखिए। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ योगी जी कि क्या आप अपनी गंदी ओछी सस्ती घटिया राजनीति से माँ बाप को बख्शेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पिता का संबोधन भी एक गाली हो गया है? अब मीडिया की डिबेट देखिए, मीडिया ने भी उत्तर प्रदेश के विकास पर सवाल न उठाकर उनके बयान पर डिबेट कर दी। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अब्बा जान पर घमासान, पहले अब्बा जान का शो था, अब चचा जान, अम्मी जान तक के रिश्ते चुनाव में गूंज रहे हैं। So has योगी आदित्यनाथ अब्बा जान जाइव सेट द टोन फॉर उत्तर प्रदेश इलेक्शन इन 2022? यूपी में हिंदू मुसलमान पर खामोश रहने वाले नेताओं में अब्बा जान पर खलबली क्यों? जब आपको कहेंगे ना कि ये अब्बा जान वाले अम्मी जान वाले हर जगह बम फोड़ते हुए नजर आते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले अब्बा जान पॉलिटिक्स, इसके बाद तो चाचा जान, अम्मी जान, भाई जान, अब्बा जान और न जाने कौन कौन से शब्दों की सियासत में एंट्री हो गई। द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट इज योगी आदित्यनाथ अब्बा जान कॉमेंट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.